खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा से है, जहां 7 विधानसभा सीट में 6 विधायकों को टिकट भारतीय जनता पार्टी हाईकमान ने दिया है, तो वहीं एक टिकट नए उम्मीदवार को भरोसा जताया है। आपको बताते चले, करनैलगंज विधानसभा सीट से विधायक थे अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भैया, टिकट न मिलने से नाराज हुए लल्ला भैया। अब योगेश प्रताप सिंह के साथ उनकी मदद करेंगे। आज 5,000 समर्थकों के साथ अजय प्रताप सिंह और लल्ला भैया समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हो गए हैं। इस खबर से गोंडा में एक नया मोड़ आ गया है। वहीं कैसरगंज लोकसभा से 2024 में कुंवर सारदेन सिंह, जो लल्ला भैया के बेटे हैं, उन्होंने बिगुल फूंक दिया है लोकसभा चुनाव लड़ने का। 10 मार्च को ही नतीजे आएंगे, 10 मार्च को ही जमीन खिसकेगी भाजपा की, जमीन खिसकेगी योगी आदित्यनाथ जी की। और एक चीज़ और आपको बता दूं, जो आज की तारीख में जो स्थिति पश्चिमी उत्तर प्रदेश की है, उस स्थिति में पिछली बार 58 सीटों पर चुनाव हुआ था, 55 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, 2 सपा को मिली थी, 2 बसपा को मिली थी, आरएलडी को मिली थी। आज की तारीख की जो रिपोर्टिंग है, 45 सीटें समाजवादी और पार्टी और आरएलडी का गठबंधन पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जीत के आ रहा है। और एक चीज़ और आपको याद दिला दूँ, जहाँ जहाँ अमित शाह जी गए हैं, घर घर पर्चा बांटे हैं, वहाँ वहाँ विनाश हुआ है। वो चाहे दिल्ली रही हो और चाहे बंगाल रहा हो, और उसकी शुरुआत उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कर दी। अरे मैं तो केशव प्रसाद मौर्य जी को सलाह दूंगा कि छोड़ो तमंचा, छोड़ो आतंक, चले जाओ सिराथू, जहाँ की महिलाएं आपके स्वागत में इतनी खड़ी हो गई थी, वो वीडियो वायरल हुआ है। अरे जब आपका ये फेल्योर है, आप प्रदेश के सम्मानित उप मुख्यमंत्री थे, अपनी देश प्रदेश अपने क्षेत्र की जनता को नहीं संतुष्ट कर पाए, वो गाली देते हुए चोर है दौड़ा रही है। और एक ही साथ ही साथ हम लोग का बड़ा परिवार है, हमारा परिवार, दोनों हमारे भाई बैठे हैं, चाहे वेंकटेश मोहन हो और चाहे शारदेन्द्र हो, मैं दोनों को अपने जितना मैं अपने बेटों को प्यार करूंगा, उससे ज़्यादा इन दोनों बेटों को संरक्षण देने का सामाजिक संकल्प लेता हूं। और मैं इतना जरूर कहूं, नहीं हम इस्तीफा दे रहे हैं भाजपा से, हम और हमारे 5,000 समर्थक आज जो है भाजपा की सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं। कितने लोग इस्तीफा दे रहे हैं? और 5,000 समर्थक।